सीतामढ़ी जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कई गांव टापू बन गए हैं। रीगा का कुसुमपुर बखरी गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है। गांव के लोग अपने घरों के छतों पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। इलाके में चलाए जा रहे राहत बचाव कार्य का जिलाधिकारी ने जायजा लिया और खुद बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने गाँव में पहुँच गए। जिलाधिकारी ने गांव में जरूरतमंद के लिए सामुदायिक किचन शुरू करने का निर्देश दिया है और बाढ़ में फंसे लोगों को खुद ट्रैक्टर से सुरक्षित स्थान पहुंचाया। डीएम को अपने बीच पाकर गांव वाले काफी खुश दिखे। एक तरफ डीएम रंजीत कुमार सिंह लगातार क्षेत्र भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, वहीं समाहरणालय में सुबह शाम वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा के प्रभाव को कम से कम करने के लिए लगातार रणनीति भी बना रहे हैं। जिले में 17 ब्लॉक है, 17 ब्लॉक में से 12 ब्लॉक प्रभावित है, जिसके 5 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेजरली जो है से प्रभावित हुआ है। वहाँ जल जमा बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों को ऊंचे स्थान पर शिफ्ट कराया गया है, 5 जगहों पे राहत शिविर भी लगाए गए हैं। हमने कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट करवाए हैं, जो जिसकी संख्या 100 की है, ज़रूरत होगी तो और भी बढ़ाई जाएगी। जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं, नावों को मूव कर किया जा रहा है। हमारे पास 13 टीम जो है वो NDRF और SDRF की टीम जो अलग अलग डिवाइड करके काम कर रही है और 135 नाव जो है अभी क्षेत्रों में मूव करके लोगों को ऊँचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ से अब तक 1 मृत्यु हुई है इसकी सूचना है और 2 लोग अभी लापता है, जिसके लिए NDRF की टीम हमारी उसको खोजने के लिए निकल पड़ी है। सर, बाढ़ से प्रभावित लोग बहुत लोग हैं, ऊंचे स्तर पर जाने के लिए निर्देश दिए बावजूद अभी भी लोग बहुत से गांव में जिसे घिरे हुए हैं, उनको जो है इसके लिए हमने 144 लगाया है कि जो भी ऐसे जलाशय या फिर जो तटबंध के आसपास के क्षेत्रों में या फिर जो समर्ज एरिया में बने हुए हैं उनको 144 के तहत उनको हटाया भी जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो कौतूहल बस या वो आनंद के वातावरण लेने के लिए कहीं नदी के तट के आसपास देखे जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो दूर रहे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। वैसे सभी परिवारों को जो कि इस बाढ़ के स्थिति में बहुत लोलन एरिया में है, उनको ऊँचे स्थानों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। अभी तक मैक्सिमम लोगों को शिफ्ट करा लिया गया है। 105 पंचायत जो है इससे प्रभावित है, 105 पंचायतों में जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल है वहाँ पर लोगों को शरण स्थली बनाया गया है और जहाँ भी ऐसी सूचना मिलती है हमारी एक NDRF की टीम है और एक SDRF की टीम है, जिसको 13 भागों में डिवाइड किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो लोगों को बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो लोकल लेवल पे जो नाविक हैं वो 135 की संख्या में जो इसके आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं।